बामती विधायक लोकेंद्र सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने भीड़ को गेट पर रोकने की कोशिश की थी। गुंडों की भीड़ को अंदर बुलाते दिख रहे यहां पर विधायक और भीड़ को उकसाते हुए दिख रहे विधायक लोकेंद्र सिंह। उग्र होती भीड़ पर एसडीएम ने खामोशी बनाए रखी। पसगवा में भारी बवाल के बाद डीएम भी खामोश यहां पर। तो ये वीडियो देखिए वायरल हुआ है जहां पर लोकेंद्र सिंह ये विधायक नजर आ रहे हैं, जहां पर भीड़ को अंदर बुलाते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने समर्थकों को बाहर रोका था और उसके बाद विधायक किस तरीके से देखिए लोगों को अंदर बुला रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उग्र होती भीड़ पर यहां पर डीएम भी खामोश है। अब भारी बवाल के बाद डीएम की भी खामोशी नजर आ रही है। मोहम्मदी विधायक है लोकेंद्र सिंह जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है और गुंडों को भीड़ को अंदर बुलाते दिख रहे विधायक, भीड़ को उकसाते भी विधायक दिखे हैं। उग्र होती भीड़ पर एसडीएम ने भी खामोशी बनाए रखी है और अब डीएम भी खामोश। शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। शारिक, ये विधायक लोकेंद्र सिंह जो कि यहां पर लोगों का अंदर भेज रहे हैं, ये वही लोग हैं जो यहां पर आतंक मचाते दिखे थे और तांडव करते दिखे थे? बिल्कुल शिवानगी, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने पूरे बवाल को अंजाम दिया था। और इस जो बवाल हुआ है इसमें हर किसी का किरदार अलग अलग है। रेखा वर्मा ने जो कुछ किया वो हम सब लोगों ने देखा। अब एक नया नाम इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि वो पहले जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें भी दिखाई पड़े थे, लेकिन अब जो इनका किरदार है वो भीड़ को उकसाने का है। यहाँ पर वो इशारों में जो है भीड़ को अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, हालांकि पुलिस जो है वहाँ पर गेट पर रोकने की कोशिश जरूर कर रही थी। यानी कि जो मोहम्मदी के विधायक है लोकेंद्र प्रताप सिंह, उन पर भी एक बड़ा आरोप लगा है भीड़ को उकसाने का। और जो बवाल था पूरा उसमें भी ये सुनियोजित जो साजिश थी उसमें भी ये शामिल है। अब जो उसकी बात की जाए, जिस तरह से खामोशी बनी हुई अफसरों की, तो सबके अलग अलग किरदार थे जैसा कि मैंने भी कहा। अब अगर डीएम की बात की जाए तो डीएम भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। शामिल क्यों है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो एआरओ थे उनकी वहाँ पर तैनाती गलत तरीके से की गई। गलत इसलिए की गई, जो 15 ब्लॉक्स के एआरओ थे उसके अलावा 4 एआरओ को रिजर्व में रखा गया था। जो वहाँ पर एआरओ बुधप्रीत सिंह थे जो बनाए गए थे 2 दिन पहले, उनका नाम कहीं भी इस रिजर्व लिस्ट में नहीं था। उनकी गलत तरीके से ट्रेनिंग कराई गई और चूंकि मोहम्मदी विधायक के करीबी थे इसलिए वहां उनको तैनात भी किया गया। अब चूंकि तमाम सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, जो एसडीएम मोहम्मदी हैं उनकी भी उनका भी एक अलग किरदार है यहां पे। अलग इसलिए है चूंकि पूरे मामले पे जिस तरह से वे खामोश थी, अब उनकी सक्रियता दिखने को मिल रही है जब मजिस्ट्रियल जाँच इस मामले की शुरू हुई है। कल जिस तरह से वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स पहुँचे थे बयान लेने के लिए, वहाँ पर वे काफ़ी सक्रिय दिखी थी। सक्रिय इसलिए दिखी क्योंकि जो पूरा मामला है उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी दिशा को बदला जा सके और इस जांच को भ्रमित किया जा सके। तो अब सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से और भी अफसर हैं, पुलिस पर तो कार्रवाई की जा चुकी है लेकिन तमाम अफसर जो इस साजिश में शामिल थे, जो तमाम नेता इस साजिश में शामिल थे, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल शारिक, देखिए यहाँ पर खामोशी अभी भी एसडीएम की और डीएम की जो है वो बराबर दिख रही है। आखिरकार जब इन वीडियो के सामने आने के बाद इनसे सवाल किए जा रहे तो क्या कहकर टालते दिख रहे हैं इन तमाम सवालों को डीएम और एसडीएम साहब? देखिए, डीएम ने तो 8 तारीख के बाद से मीडिया में ना कोई पक्ष रखा है, ना किसी तरह की बात करने की कोशिश की गई है। हाँ, उनसे संपर्क जरूर किया जाता है बाइट के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए, तो वो फील्ड में कहकर ये बात टाल देते हैं। तो लगातार जिस तरह से उनकी बातें टाली जा रही हैं और एसडीएम मोहम्मदी जिस तरह से मामले में बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनकी जो भूमिका थी वो भी साफ होती नजर आ रही है। एक महिला का जब चीरहरण हो रहा था तब उनको अपनी ताकत दिखाई देनी चाहिए थी, जो इस वक्त वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से जो मजिस्ट्रेट टीम है उस जो जांच चल रही है उसमें जिस तरह से उनकी सक्रियता दिखी है, शायद वहां पर अगर लाठीचार्ज का ऑर्डर करती या दूसरे जो रबर बुलेट से उनका ऑर्डर करती तो शायद ये जो इतना चीरहरण हुआ वहां पर 2 महिलाओं का, उन सब चीजों से बचा जा सकता था। लेकिन अब जिस तरह से नए नाम इस किरदार में, जो नए किरदार इसमें जुड़ते जा रहे हैं इस बवाल में, चाहे वो मोहम्मदी के विधायक हो लोकेंद्र प्रताप सिंह या एसडीएम मोहम्मदी हो या डीएम हो, अब तमाम एक बड़ी जांच की यहां पर जरूरत महसूस की जाने लगी है, ताकि जो इसमें और किरदार शामिल थे उनका नाम का खुलासा हो सके और एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। हालांकि पीठ थपथपाई तो जरूर गई है जो पुलिस पर कार्रवाई करने के बाद, लेकिन जो दूसरे अफसर हैं, ये दूसरे नेता हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उन पर एक कार्रवाई करने की जरूरत जरूर महसूस की जा रही है। बिल्कुल शारिक, देखिए सीएम ने खुद कहा था कि जो लोग भी इस पूरे वाक्य में शामिल हैं बख्शा ना जाए, सबकी जांच होनी चाहिए। तो क्या वो जांच रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही? अब तो ये वीडियो भी सामने।
बिल्कुल शिवानगी, देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले में जो लोग शामिल थे, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक सुमित तिवारी नाम का शख्स है जो सांसद के बेहद करीबी बताया जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस की जो जांच है वो दूसरे लोगों पर भी शुरू हो चुकी है। अब आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं वो लोग जो इस बवाल में शामिल थे। तमाम ऐसे लोग अभी भी आइडेंटिफाई किए जाने और हैं जो इस भीड़ में जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। करीब दो दर्जन से ज्यादा गुंडे जो गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त की जानी अभी बाकी है। तो ये तमाम सारे सवालात और जो जांच है उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत अभी महसूस की जाने लगी है, और ये कोशिश भी की जानी चाहिए जिस तरह से एक महिला का जो सम्मान होना चाहिए थे, जो शफकत, नजाकत और एहतराम की चीज़ है, उसके साथ जो हम लोगों ने देखा वो बेहद शर्मनाक था। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल अगली खबर लखनऊ से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें।